तो बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कमेंट्स में कि भाई फाइटर फिश का ब्रीडिंग का आप अपडेट दो अपडेट दो। तो भाई आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो हमारी फाइटर फिश की जो फीमेल्स है ना भाई, अभी तक अंडों से लोडेड नहीं हुई है। क्योंकि फाइटर फिश का क्या होता है कि जब फीमेल अंडों से लोड होती है, मतलब अभी देख सकते हो फीमेल है तो अभी अंडों से लोड नहीं हुई है, यहाँ पे फिश का जो रहता है ऐसा कर्व शेप आ जाता है, फुल जाती फीमेल, मतलब समझ जाता है कि भाई इसके पेट में अंडे। तो भाई ये अभी लोड नहीं हुई हमारी फीमेल, तो इसकी वजह से हम इनको ब्रीडिंग को नहीं लगा सकते। जो मैंने अभी ब्रीडिंग को लगवा दिया, जैसे हमारे साथ लास्ट टाइम हुआ कि भाई फीमेल और मेल की बहुत ज़्यादा मतलब मेल ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है फीमेल पे और फीमेल अपने को खोने भी पड़ सकती है, इसकी वजह से मैं रिक्स नहीं लेना चाहता। तो हमारे चारों फीमेल है, हमारी ब्लैक वाली फीमेल है और ये हमारी व्हाइट वाली फैटर फिश की फीमेल है, अभी तक ये लोडेड नहीं हुई, बहुत छोटी आ रही है। तो इसकी वजह से ये मतलब ऐसा कह सकते कि मैं अभी तक ये मैच्योर अच्छे से नहीं हुई है, तो हम रिक्स नहीं लेना चाहते। तो ठीक है, हमारी जो गप्पी फिश है ना, मेरी फेवरेट और सबकी फेवरेट है, तो अभी इनको सबको तो मैंने फीड कर दिया है, तो तभी भी आ रहे फीड खाने के लिए आ रहे ऊपर, तो ये सब की सब लोडेड है यार। इनके लिए तो ऊपर स्पेशल हमारा पॉन्ड होगा सिर्फ गप्पी के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे कहते भी गप्पी फिश का ब्रीड करो, ब्रीड कैसे करते वगैरह, बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस होते हैं। रूम का तो अपडेट दिया जाए तो भाई अभी तक हमने वो शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही यार ऊपर का काम चल रहा है कलरिंग वगैरह। तो आपको मैं न्यू फिश रूम दिखा देता हूँ, यहाँ पे है हमारा न्यू फिश रूम, जो कि इसके ऊपर अभी काम ही चल रहा है। यहाँ पे कौन से फिश रखने के मैं सब सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सनलाइट आता है, तो मैं यहाँ सोच रहा था कि यहाँ पे हमारी गप्पी फिश रहेगी, क्योंकि गप्पी फिश को भाई सनलाइट लगती है, मतलब जो ब्रीड करे तो उनको वो पूरा नेचुरल एनवायरमेंट हमें देना होगा, उनको पूरा नेचुरल एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करना है। क्योंकि गप्पी फिश हमारी 4 फीट के टैंक में रखने वाले हैं यहाँ पे, और हमारे 1-1 फीट के जो टैंक है ना नीचे रख देंगे। यहाँ पे हमें सिंपल यार हमारे फाइटर फिश ब्रीड होंगे, तो इनके लिए तो कोई सनलाइट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट हमारे गप्पी फिश को रहेगी, क्योंकि ये कंटिन्यू ब्रीड करेंगी। और गप्पी फिश यहाँ पे ही नहीं, हमें इनको नेचुरल पॉन्ड में देने वाले, ऊपर का जो हमारा पॉन्ड है ना, मैंने जिसको कलर दिया कल के वीडियो में, तो वही हमारा पॉन्ड में हमारी गप्पी फिश रहने वाली है। आपको तो मैं बोला ही कल के वीडियो में क्या क्या वहाँ पे रहने वाला है। हमारा ये जो ऑस्कर फिश का जो पेयर है ना भाई, ये मतलब एक मिनट, तो ये जो हमारा ऑस्कर फिश का पेयर था ना, कल बहुत ज्यादा रात को बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहा था। तो यार मुझे पता नहीं चल रहा है ये झगड़ा क्यों करते हैं, मतलब ये इसको मारता है और ये इसको मारता है। भाई मैं उनका वीडियो नहीं शूट कर पाया, बट अभी ये करेंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो मैं इनका जरूर वीडियो शूट करूंगा। और मुझे पता ना भाई ये मेल फीमेल का मुझे मतलब ये समझ नहीं रहा, क्योंकि दोनों पूरे सेम है, तो आपको पता होगा कि भाई इसमें मेल कौन सा है फीमेल कौन सी, तो उतना मुझे आप क्लियर कर दो, मतलब समझ लो यार हमें ऑस्कर के, हमें फिर जल्दी से जल्दी ब्रीड हो जाए। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे जो पॉन्ड का जो काम था कलरिंग का, वो सब कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप पॉन्ड के अंदर में आपको शकर का अपडेट दे दूं, जो कि बहुत ही बड़ी साइज की हो गई है, देख सकते हो यार। अभी मैं इनको जल्द से जल्द पकड़ता हूँ और बड़े टैंक में छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर दिया है तो कलर थोड़ा बहुत पड़ा होगा, इसकी वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता भाई केमिकल होने की वजह से। तो क्या करता हूँ मैं अभी इसमें जल्दी से पानी भर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कितनी बड़ी हो गई भाई हमारी शक्कर फिश। तो ये पहली शक्कर, ये हमारी भाई, ओ भाई भग गए, ये हमारी दूसरी शक्कर, और यहाँ पे हमारी ये तीसरी शक्कर, ये फिफ्थ नहीं फोर हो गई, ये फाइव और ये सिक्स, भाई साहब और एक थी यार कहाँ गई। तो देख सकते हो गाइस हमारी ये 6 शक्कर फिश और हमारा एक गुरामी का यहाँ पे ब्रीडिंग पेयर है, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। तो ये हमारा मेल हो गया, नहीं ये फीमेल हो गई, मेल कहाँ गया भाई। तो ये लो जी, ये हमारा मेल, ये मेल फीमेल का हमारा पेयर है गुरामी का, और ये शक्कर देख सकते हो भाई कितनी खतरनाक है यार। तो अभी मैं इसको जल्दी से जल्दी बड़े पानी में छोड़ देता हूँ। चलो तो दोस्तों हमारे ये जो शक्कर फिश है, मैं इनको अभी छोड़ देता हूँ बड़े पॉन्ड में। तो लो जी मैंने इनको पूरा ग्रीन वाटर में डाल दिया, ग्रीन वाटर में ये सब अलगी भी खा जाएंगे, और अलगी के साथ इनकी जो ग्रोथ है जल्द से जल्द बढ़ेगी। इनको मैं सिर्फ 4 से 5 दिन यहाँ पे रखूंगा, बाकी इनके लिए मैंने अलग से प्लानिंग सोचा है, क्योंकि यहाँ पे एलिगेटर गार आने वाला है। हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल डेजी फिश में आपका फिर से वेलकम। तो भाई आज का जो हमारा लॉग है भाई, आपको पता ही चल गया होगा कि भाई मैं कल के लॉग में बोला था कि आज हमें हमारे एलिगेटर गार को शिफ्ट करना है। तो भाई आज का ये सबसे खतरनाक काम होने वाला है भाई, एलिगेटर गार को हमें शिफ्ट करना है, जो कि हमारा एलिगेटर गार इस वाले टंकी में है, और इधर से लेकर हमें यहां से लेकर
यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ की सब साफ सफाई कर लेते हैं पहले। और ये जितना भी केड़ कचरा दिख रहा है आपको, ये कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि भाई हमें हमारा सेटअप बहुत खतरनाक बनाना है, खतरनाक तरीके से बनाना है। ठीक है, तो भाई हम क्या करते हैं, अभी ये सब साफ सफाई करते हैं। तो पहले हम डव को शिफ्ट कर देते हैं। अभी डव को कहाँ शिफ्ट करना है देखते हैं, नियोजन बनाते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों हमारे जो डव है ना, डव हमें यहाँ पे शिफ्ट करने हैं। ये दो वाले केज यहाँ पे हमारा एक पेयर रहेगा और बिल्कुल उसके साइड में हमारा एक पेयर रहेगा। तो जल्दी से जल्दी मैं उनको शिफ्ट करता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों हमारे दोनों पेयर डव की यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। ये कंफर्म पेयर है, ये वाइट वाली फीमेल है और ये मेल है। और इसके बिल्कुल साइड में ये भी वैसे ही है, ये फीमेल है और ये मेल है। तो अभी ये सब साफ सफाई कर देते, चलो जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सब साफ सफाई हो चुकी है, मतलब मैंने सब साफ सुफ कर दिया। और हमारी ये भी दो थर्मोकॉल दिख रहे हैं, इनमें हम मौली फिश रखने वाले। बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई मौली फिश की ब्रीड करो, तो भाई मैं इन दोनों में हमारी मौली फिश रखूंगा क्योंकि अभी गर्मी का सीजन आएगा तो यहाँ पे आराम से ब्रीड कर जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसमें ही रखा था और हमारी मौली फिश ने ब्रीड कर दी थी थर्मोकॉल्स में, जो कि हमारी ये जो मौसम था अभी ठंडी का मौसम चल रहा था तो उसमें हमारी मौली फिश ने ब्रीड नहीं की। तो अभी हम यहाँ पे छोड़ देंगे जल्दी से जल्दी। तो अभी पहले तो हम यहाँ पे एलिगेटर गार्ड शिफ्ट करते हैं जो कि वहाँ पे है, वहाँ से हमें यहाँ पे लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 50% वाटर निकाल लिया और हमारी एलिगेटर गार्ड देख सकते हो भाई कितनी बड़ी हो गई। मैंने भी इसको बहुत दिनों के बाद देखा और पानी का थोड़ा बहुत स्मेल आ रहा है यार। भाई सो आप देखो यार कितनी बड़ी हो गई यार, ये बहुत दिनों के बाद इसका मुझे दर्शन हुआ। तो ठीक है अभी जल्दी से जल्दी हम वाटर चेंज करते और इसे हम शिफ्ट करते हैं। भाई अभी गिरते गिरते बचा में और बहुत खतरनाक वीडियो होने वाला है ये। तो भाई हमारी ये जो टंकी है मैंने उठा ली है, तो देख सकते हो यार भाई कितनी बड़ी टंकी है। चलो तो गाइस हमारे जो एलिगेटर गार है ना मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हमारे न्यू वाले पॉन्ड में। मतलब यहाँ पे नहीं रहेगी, यहाँ पे सिर्फ मैंने ऐसे ही शिफ्ट किए क्योंकि यहाँ पे पानी था थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया है। और अब इसकी जो टंकी है ना मैं ये पूरी घिस लेता हूँ, फिर हम इसको कल या परसों इसमें रख देंगे। तो यार दोस्तों हमारे डव को भी मैंने खाना रख दिया न्यू होम में। ये खाना खाने मतलब कंफर्टेबल हो गए भाई, आते ही कंफर्टेबल हो गए 10-15 मिनट में। देखो ये थोड़ा ये भी खाने लगे, देखो ये सही बात है भाई। चलो ओके यार ये सिर्फ ब्रीड कर जाए जल्दी क्योंकि मैं आपको दिखा सकूँ यार। यहाँ पे अभी सेट हो गई है तो अभी एक ही काम बचता है हमारा, एलिगेटर गार को यहाँ पे लाने का है। तो इसको हम पहले पानी भरने के लिए छोड़ देंगे। पानी भरने को यार इसे 2-3 घंटे लग जाएंगे तो रात हो जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी शाम हो चुकी, पूरी शाम हो चुकी है। शाम होने की वजह से हमें अभी एलिगेटर गार शिफ्ट नहीं करते आएगी। तो मैंने एक बार सोचा है कि भाई एलिगेटर गार को मैं रात भर यहीं पे रहने देता हूँ। और कहाँ गई यार, ये देखो रात भर मैं यहीं पे रहने देता हूँ, यहाँ पे अच्छी रहेगी। इसको हम कल शिफ्ट करेंगे तो अभी रात हो जाएगी तो भाई मुश्किल है भाई, तो इसको हम कल शिफ्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो भाई चलते हैं और ठीक है।